आप सबको मेरा नमस्ते अभी मैं आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ बारह महीने से लेके कर अठारह महीने के बच्चे के लिए uh, कैसे बनाना है वो मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगी uh, बहुत ही बढ़िया सा ट्यूटोरियल है uh, अभी बच्चा uh, एक साल का हो गया मतलब वो जो आप खाएंगे वही बच्चा खाएगा ठीक है आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं उसमें uh, बच्चे के अभी दाँत भी आने के चालू हो गए बच्चे के बहुत सारे दाँत भी होते हैं एक साल के बच्चे को तो आपको अभी बिल्कुल देने की जरूरत नहीं आपको एक ध्यान रखना है कि कोई कड़क खाना ना दे मतलब मूंगफली है मूंगफली का दाना मत दीजिए उसको पीस के उसका पाउडर खाने में डाल सकते हैं कोई भी जो यू नो फलियाँ है आ, कड़क नहीं होनी चाहिए मतलब यू नो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए आ, और दूसरा जो यू नो कभी कभी वो जो चॉकलेट होती है कड़क आप वो सब नहीं देना है बिल्कुल नहीं देना है जंक फूड जैसे मैंने आपको पहले बताया जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है आपको और आ, मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको ये हमारे जो जो दो रेसिपीज के टूटोल्स से आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे धन्यवाद 12 से 18 महीने के शिशुओं के लिए शाकाहारी खाने पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम कुछ पोषक तत्वों से भरपूर शाकाहारी खाना बनाना सीखेंगे एक साल की उम्र के बाद शिशु तेजी से बढ़ते हैं उनकी पोषक तत्वों की जरूरत उम्र के साथ बढ़ जाती है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के पोषक तत्वों वाला भोजन दिया जाना चाहिए उन्हें रोज लगभग 1010 किलो कैलोरी की जरूरत होती है शिशु को कितना भोजन चाहिए यह उसकी गतिविधि और बढ़ने के तरीके पर निर्भर करता है एक अन्य ट्यूटोरियल में पूरक आहार के बारे में अधिक बताया गया है कृपया इन ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए अब कुछ शाकाहारी खानों को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सावा उत्तपम इस खाने को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी सावा के दो बड़े चम्मच एक बड़ा चम्मच काले चने दो बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर पाव कटा हुआ टमाटर और तीन चम्मच भुने तिल मैं एक उत्तपम के लिए डेढ़ चम्मच बीज इस्तेमाल करूंगी इससे दो उत्तपम बनेंगे आपको इसकी भी जरूरत होगी नमक की एक चुटकी और एक चम्मच घी तरीका सावा और काले चने को एक साथ धोकर आठ घंटे के लिए भिगो दे बाद में उन्हें एक मुलायम गाढ़े घोल में पीस ले पेस्ट को पानी जैसा न बनाएं। इसे एक कटोरे में निकाल ले और किसी गर्म स्थान पर सात से आठ घंटे के लिए खमीर उठने के लिए रख दे पेस्ट के जमने के बाद इसमें गाजर, टमाटर और नमक डाले सब कुछ अच्छी तरह मिला ले अब एक कढ़ाई में घी गरम करें और एक चम्मच पेस्ट डालकर बराबर से फैला दे उत्तपम के थोड़ा पक जाने के बाद उसके ऊपर डेढ़ चम्मच तिल डालें, ढक्कन से ढककर फिर से तीन से चार मिनट तक पकाएं। सावा उत्तपम तैयार है। यदि सावा नहीं है तो आप रागी या ज्वार भी ले सकते हैं कोदरा या कुटकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा हम सीखेंगे कंगनी खिचड़ी इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक बड़ा चम्मच अंकुरित हरी मूंग, कंगनी के दो बड़े चम्मच एक बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज एक बड़ा चम्मच कटा टमाटर और दो से तीन बारीक कटी हुई फूलगोभी के फूल आपको इसकी भी जरूरत होगी आधा छोटा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च चुटकी भर हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच अजवाइन एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी सबसे पहले मैं आपको अंकुरण की विधि बताऊंगी हरी मूंग को रात भर भिगो दे अगले दिन इन्हें छानकर मलमल के कपड़े में बांध ले इसे किसी गर्म जगह पर छह से आठ घंटे के लिए छोड़ दे या जब तक अंकुर दिखाई न दे अंकुरित हरी मूंग को बाद में लेने के लिए अलग रख दे इसके साथ ही कंगनी को धोकर आठ से दस घंटे के लिए भिगो दे प्रेशर कुकर में घी गरम करें। अजवाइन डाले और कुछ मिनट के लिए भुने इसमें प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भुने इसके बाद फूलगोभी और कटा हुआ टमाटर डाले उन्हें दो से तीन मिनट तक भुने इसमें भीगे हुए कंगनी और अंकुरित हरी मूंग डाले अच्छी तरह मिलाएं और नमक मसाले और एक कप पानी डालें। इसे कम आंच पर तीन से चार सीटी तक पकाएं। कुकर से प्रेशर निकलने दे और खिचड़ी को कटोरे में निकाल लीजिए कंगनी खिचड़ी तैयार है अगर कंगनी नहीं है तो आप कोदो या कुटकी ले सकते हैं सावा भी लिया जा सकता है तीसरा हम सीखेंगे हरी मटर और पनीर कटलेट इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी आधा कप हरा मटर आधा कप कसा हुआ पनीर एक बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन दो बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और दो बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर आपको इसकी भी जरूरत होगी पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर पाव छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी तरीका हरे मटर को 6 से 10 मिनट के लिए स्टीमर में भाप लगवाए मटर को ठंडा होने दे पनीर और मटर को दरदरा पीस ले मिश्रण को कटोरे में निकाल लीजिए इसमें बेसन चुकंदर गाजर मसाले और नमक डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिला ले मिश्रण को बांट ले और उसमें चार कटलेट बना ले कढाई में घी गरम करें। और कटलेट को दोनों तरफ से हल्का भूरा होने तक तले हरे मटर और पनीर के कटलेट तैयार है सब्जी इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो बड़े चम्मच अंकुरित हरी मुग अंकुरित मोट के दो बड़े चम्मच दो बड़े चम्मच अंकुरित चने के दाने एक बड़ा चम्मच ताजा कसा हुआ नारियल पाव कटा हुआ प्याज और पाव कटा हुआ टमाटर आपको इसकी भी जरूरत होगी पाव छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर पाव छोटा चम्मच धनिये के बीज का पाउडर एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी इस ट्यूटोरियल में अंकुरण का तरीका पहले समझाया गया है कृपया उसी तरीके का पालन करें। ध्यान दें कि अलग अलग चीजों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है इसलिए तीनों अलग फलियों को अलग अलग भिगो दे चलिए आगे बढ़ते हैं अंकुरित दानों को तीन सीटी के लिए कुकर में पकाएं, प्रेशर को निकलने दें और फिर कुकर का ढक्कन खोल दें। एक पैन में घी गरम करें और जीरा डालें और उन्हें अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसमें टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। पके हुए अंकुरित दाने नमक और मसाले डालें और इसे पाँच मिनट तक पकने दें। अंत में नारियल डालें और अच्छे से मिलाएं। कई सारी अंकुरित फलियों की सब्जी तैयार है ये सभी बताए गए खाने प्रोटीन मैग्नेशियम कैल्शियम और अच्छे फैट से भरपूर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सब चीजों को अपने शिशु के हर रोज के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहा आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद बारह से अठारह महीने के शिशुओं के लिए मांसाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बारह से अठारह महीने के शिशुओं के लिए ऊर्जा की जरूरत कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके एक साल की उम्र के बाद शिशु तेजी से बढ़ते हैं। उम्र के साथ उनकी पोषक तत्वों की जरूरतें भी बढ़ती जाती है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के पोषक तत्व वाला भोजन देना चाहिए उन्हें पूरे भोजन से लगभग 1010 किलो कैलोरी की जरूरत एक दिन में होती है एक कप भोजन दिन में पांच बार देना चाहिए इसे तीन जरूरी भोजन और दो नाश्ते के रूप में दिया जा सकता है ध्यान दें कि एक कप लगभग 250 मिलीलीटर या 16 बड़े चम्मच भोजन होता है हमेशा याद रखें कि ताजा पका हुआ घर का बना खाना ही शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है अगर शिशु के खाने को संभाल कर रखना है तो इस पर बना हमारा ट्यूटोरियल देखें। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। पूरक आहार के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है कृपया इन ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सीखेंगे मक्खन और लहसुन के बने झींगे इसको बनाने के लिए जरूरी सामग्री है 80 ग्राम झींगे एक बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन दो बड़े चम्मच कटा हरा धनिया आधा नींबू पाव छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच मक्खन स्वादानुसार नमक सबसे पहले झिंगे को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले झींगे के सिर और पूंछ को हटा दे चाकू के साथ सावधानी से झींगे को पीछे की ओर एक छोटा सा चीरा बनाए फिर चाकू की नोक या अपनी उंगलियों से धागे को बाहर निकाले और इसे फेंक दे ऐसे ही दूसरी तरफ भी करे एक पैन में थोड़ा मक्खन गरम करे कटा हुआ लहसुन डाले और एक मिनट के लिए भुने फिर इसमें साफ किए हुए झींगे डाले और धीमी आंच पर पकाए नमक काली मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस छिड़के और हरे धनिये से सजाएं। मक्खन और लहसुन में बने झींगे तैयार है अगला है भरवा अंडे इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो उबले अंडे एक बड़ा चम्मच गाढ़ा दही एक बड़ा चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च एक बड़ा चम्मच कटा हुआ गाजर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार नमक तरीका उबले अंडे को आधा काट ले अंडे की जर्दी अलग करे और एक कटोरे में निकाल ले इसमें गाढ़ा दही सब्जियां नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। आप शिशु के पसंद का कोई दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और अंडे की जर्दी को साफ चम्मच या हाथ से मसल ले मिश्रण को वापस उबले अंडे के सफेद भाग पर डालें। इसे अच्छे तरीके से सजाएं और शिशु को परोसे अब तीसरा सीखेंगे सूखे पेड़वे मसाला इसे बनाने के लिए आप आसानी से मिलने वाली किसी भी सूखी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं सूखे पेड़वे का इस्तेमाल करूंगी। जरूरी सामग्री है 20 ग्राम सूखे पेड़वे आधा प्याज आधा टमाटर लहसुन की दो से तीन कलिया चार से पांच करी पत्ते एक कोकम या बिना बीज वाली इमली जरूरी मसाले हैं पाव चम्मच हल्दी पाउडर पाव छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर पाव छोटा चम्मच धनिया पाउडर तरीका सूखी मछली के सिर और पूंछ को हटाकर साफ करें। उन्हें 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दे नमक और गंदगी हटाने के लिए इन्हें अच्छी तरह धो ले फिर पानी निकाल दे एक पैन में तेल गरम करे और उसमें कटा हुआ लहसुन और करी पत्ता डाले कटे हुए प्याज डाले और हल्का गुलाबी होने तक भुने फिर टमाटर कोकम और मसाले डाले इन्हें अच्छी तरह मिलाए और इसे एक से दो मिनट तक भूने इसमें साफ की हुई पेड़वे मिलाएं। आप एक से दो बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं। सूखा पेड़वे मसाला तैयार है आखिरी सीखेंगे मटन का दलिया इसे बनाने के लिए जरूरी सामग्री है 100 ग्राम बिना हड्डी का मीट एक बड़ा चम्मच कुटकी आधा कप मिश्रित दालें एक कटा हुआ प्याज एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मुट्ठी भर धनिया पत्ती आधा नींबू जरूरी मसाले है आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर पाव छोटा चम्मच गरम मसाला स्वादानुसार नमक और एक बड़ा चम्मच तेल या घी ले प्रक्रिया दालों को धोकर 6 से आठ घंटों के लिए भिगो दे इसी तरह एक अलग कटोरे में कुटकी को भिगो दे मटन के टुकड़ों को धोकर साफ कर ले इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट लगाए इसे 20 से 30 मिनट के लिए अलग रख दे प्रेशर कुकर में तेल या घी गरम करें। इसमें कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भुने इसमें डालें और कुटकी डालें, मटन के टुकड़े और सारे मसाले भी डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिला लें। एक गिलास पानी डालें और 15 से 20 मिनट तक कुकर में पकाएं। तेज आंच पर एक सीटी आने तक पकाएं। एक सीटी आने के बाद आंच धीमी कर दे और 10 से 15 मिनट तक पकाएं। कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दे और फिर ढक्कन खोले दलिया को प्याले में निकाल लीजिए चम्मच से मटन के टुकड़े निकाल ले टुकड़ों को ठंडा होने के बाद साफ हाथों से इन्हें बारीक बारीक कर ले फिर इसे वापस दलिया में डाल दे नींबू का रस छिड़के और हरे धनिए से सजाए मटन दलिया तैयार है ये सभी खाने प्रोटीन आयरन कोलिन और जिंक के अच्छे स्रोत है यह विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन डी फोलेट पोटेशियम और मैग्नेशियम से भी भरपूर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी खानों को शिशु के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहा स्नेहाता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद